有醋雷酸，这两个不叫块儿甜。There's two that could let. Sule is in the call to the mina. There's two that could call the Nazim Lepara, South Awadari the Lord. Afghanistan ke purva rashtrapati Ashraf Ghani ka ek ek bayan. Aaj aapko Taliban ka खौफनाक सच बताएगा। देव सुलेइस्वान से देख पचाऊ काट के तस्तुत काबुल खार दिनासम लपारा साउथ अवेदारी तलाश। अशरफ गनी की एक-एक बातें सुनकर आज आपको खुद में सुधार का दावा करने वाले तालिबान की क्रूरता का पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अशरफ गनी ने तालिबान के बारे में ये सारी बातें तजाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएई से की है, क्योंकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी को यूएई ने ही अपने देश में शरण दी थी और यूएई ने ही ये बड़ी जानकारी अब पूरी दुनिया को दी है। तो यूएई में शरण मिलने के बाद अशरफ गनी ने अपने पहले वीडियो संदेश में सबसे बड़ा डर ये जाहिर किया कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तो तालिबान काबुल में कत्लेआम मचा देता। तालिबान उन्हें अफगान के पूर्व राष्ट्रपति की तरह फांसी पर लटकाकर मार देता। देव सुलेइस्वान से देख पचाऊ काट के दिव्य तुई दिल खत्म शी और ग्रान अफगानिस्तान सुबात अमनियत और परमख्तक तवरसी दिकी वो आउटा। अशरफ गनी ने अपनी मौत का डर जताते हुए जिस पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का जिक्र किया था वो आखिर है कौन, तो ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की है। 20 साल पहले अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब तालिबान के आतंकवादियों ने 28 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह को काबुल में चौराहे पर एक खंभे से टांग दिया था। खंभे से टांगे जाने के ठीक पहले एक ट्रक के पीछे बांध कर उन्हें काबुल की सड़कों पर घसीटा गया था। इस क्रूरता से पहले तालिबान ने उनके सिर में एक गोली भी मारी थी। गनी को तालिबान से अपनी हत्या का कुछ इसी भयानक अंदाज में डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया। हालांकि गनी ने इसके आगे ये भी कहा कि वो मौत से डरते नहीं हैं और जहां तक कैश लेकर देश से भागने की बात है तो गनी ने कहा कि उन पर लगे ये आरोप बेबुनियाद है क्योंकि उन्हें तो अपने जूते तक पहनने का वक्त नहीं मिला। امنیت او پرمختک تو رسیدگی و او ده دام لا هم اساسی هدف ده ده تیرو تو رزو پیخی پا دیر سرعت سره را منسته شوی مخیل ده چیز لیوات خووزم ما پا دی کار کهو چی طالبانو سره ده همه شمول او نماینده حکومت ده جوری دو پسر مذاکراتو। गनी ने असल में ये जवाब रूस को, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तीनों को दिया है, क्योंकि काबुल में रूसी दूतावास ने ही खुलासा किया था कि 15 अगस्त को गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश भर कर ले गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ऑडियो संदेश जारी करके गनी पर देश छोड़कर भाग जाने के आरोप लगाए थे और बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले का बचाव करते हुए सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर डाल दी थी। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन बाद पहली बार दुनिया के सामने आए और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तालिबान के आतंक का सच बताने के लिए काफी थी। हालांकि ये बात भी अपनी जगह पर उतनी ही सही है कि अशरफ गनी ने संकट के समय अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को अकेला छोड़ दिया, तालिबान का मुकाबला नहीं किया और इसीलिए उनके इस कदम की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।